स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक किडनी केयर इन इंडिया में। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आपको किडनी के लिए पाइनएप्पल के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स बताएंगे। तो लीजिए, अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपके सामने पाइनएप्पल के कुछ फायदे लेकर। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। पाइनएप्पल एक खट्टा मीठा फल है जो खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। इसका सेवन अधिकतर लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग इसका जूस भी पीते हैं। पाइनएप्पल का सेवन आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करता है, साथ ही ये आपको उन सभी बीमारियों से बचाता है जो किडनी को हानि पहुंचा सकती हैं। पाइनएप्पल में लगभग 86% पानी की मात्रा होती है जो किडनी को डिटॉक्स करने का अच्छा साधन है। जब आपकी बॉडी में सही मात्रा में पानी होता है तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। इसका सेवन आपको यूरिन से जुड़ी समस्याओं से दूर रखता है, जिससे यूरिन रिलीज करने में तकलीफ नहीं होती और आप यूरिन इन्फेक्शन के खतरे से दूर रहते हैं। पाइनएप्पल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक पाया जाता है, जो बॉडी में इन सभी चीजों का बैलेंस करने में मदद करता है। इससे आप बीमार नहीं पड़ते और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। पाइनएप्पल का सेवन हार्ट को भी स्वस्थ रखता है। इसमें सोडियम की कम मात्रा होती है जो प्रेशर को बढ़ने नहीं देती और किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम बोन्स को मजबूत करने में मदद करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किडनी का एक काम बोन्स को मजबूत करने का भी होता है। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नामक एक मिनरल पाया जाता है जो आपको सांस फूलने की समस्या से बचाता है। इससे आप अस्थमा रोग से बचे रहते हैं। जो लोग मोटापे से बचना चाहते हैं या अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए पाइनएप्पल बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप नियमित मात्रा में पाइनएप्पल का सेवन करते हैं तो इससे आप सर्दी जुकाम से बचे रहते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे आप सर्दी जुकाम जैसी समस्या से दूर रहते हैं। पाइनएप्पल में एंटी कैंसर गुण होते हैं जो बॉडी में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देते, जिससे आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो बॉडी में होने वाली अनचाही सूजन को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही ये गले की सूजन और खराश जैसी समस्या को दूर करता है। पाइनएप्पल का सेवन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे आप बदलते मौसम में जल्दी बीमार नहीं पड़ते और आपकी बॉडी रोग से लड़ने की क्षमता रखती है। इसके अलावा यह आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है, जिससे आपको पेट की और डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। पाइनएप्पल में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो किडनी को अंदर से साफ रखते हैं। इससे आपको किडनी की कोई भी समस्या नहीं होती। वैसे तो किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है और उनकी हेल्थ कंडीशन पर। जरूरी नहीं कि सभी किडनी के मरीजों को पाइनएप्पल खाना अलाउड हो। तो ये हैं पाइनएप्पल के कुछ फायदे। आइए अब एक नजर डालते हैं इसके नुकसान पर। कुछ लोगों को इसके सेवन से एलर्जी हो सकती है, जैसे खुजली और रैशेज, तो उन्हें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई लोगों को इसको खाने से मुंह में छाले या जीभ में सूजन हो सकती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अबॉर्टिफेशन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो अबॉर्शन का कारण बन सकता है। जिन्हें डायबिटीज है उन्हें इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और स्वस्थ इंसान को भी इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड में अधिक शुगर बढ़ा सकता है। तो ये है पाइनएप्पल के कुछ नुकसान जो बॉडी में समस्या कर सकते हैं, और किडनी के मरीज इसका सेवन सीमित मात्रा में करें, इसके लिए डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रैनबेरीज के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे। आप इस तरह की वीडियोस हमारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जी, क्या नाम है पेशेंट का? पूनम श्रीवास्तव। कौन है आपके? वो सीएनआई डॉक्टर। अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी?
तब साहब तकलीफ तो बहुत तकलीफ थी, उसको पानी नहीं निकल पा रही थी वो। अच्छा। 7 दिन से। अच्छा। आज वो 2 रोटी खा लेती है। अच्छा। सेहत में बहुत सुधार है, अपने आप चल फिर लेती है, बहुत सुधार है। और क्या क्या फर्क है? हर तरह सा फर्क है। लेटिन सप्ताह भर में या 15 दिन लेटिन नहीं खाती नहीं थी तो लेटिन कैसे जाए? आज विधिवत जो है वो 24 घंटे में एक बार लेटिन जाती है, अपना खाना खा रही है, फल खा रही है, हर चीज पच रही है। 2-4 दिन के बाद में कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है और कोई तकलीफ नहीं, सब आराम है, बहुत आराम। ठीक है। तो अभी जब आप कहाँ से आते हैं? हम फरुखाबाद से। यूपी से? यूपी से। फरुखाबाद में कहाँ से? फरुखाबाद फतेहड़ी स्टेशन के पास है। अच्छा। तो जब कितने महीने हुए आपको दवाई स्टार्ट करे हुए? अभी तो 1 महीना हुआ। अच्छा, अभी 1 ही महीने में? अभी 1 महीना हुआ है। वो जानते नहीं थे कि इसको कोई परेशानी हुई। दमन जी ने दवा जो है वो एक थोड़ा सा डॉक्टर उसका आई, उसको हाथ पी सब वो जो है मलेरिया या वो था क्या नाम ये बुखार वुखार थे, तो झोला साहब डॉक्टर उसे कराने की वजह से जो है गर्म दवाई खाने की वजह से उसके दिक्कत आ रही हो। चलिए कोई नहीं, आप लग के फॉलो कीजिए जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे चेंजेस आपको किसी पर। ठीक है।